लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर CANRC प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित किया गया है। पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर्स लगाए गए। मौलाना सैफ अब्बास समेत 14 आरोपियों के पोस्टर्स लगाए गए। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर एक्ट के केस में वांटेड घोषित किया गया है। आरोपियों के घर पर पुलिस ने पोस्टर जब यहां पर चिपकाए तो विरोध भी यहां पर देखने को मिला। झड़प भी बाकायदा यहां पर हो गई थी। आपको बता दें, याद दिला दें, 19 दिसंबर को लखनऊ में CAA के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपियों के घर के बाहर पुलिस ने पोस्टर्स यहां पर चस्पा कर दिए हैं। और मैं यहाँ लखनऊ में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, महिलाओं के मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। अचानक 5:30 बजे हमारे घर पे पुलिस आती है। मैं ऑफिस के कार्य से मैं घर के बाहर थी और वो फोटो दिखाते हैं और बोलते कि वो ठाकुरगंज थाने से आए हुए हैं और वो फोटो दिखाते हैं, उसमें कहते हैं कि क्या आपकी बेटी CANRC में थी, वो फेसबुक की फोटो थी। तो पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, वो तो CANRC में नहीं थे हम लोग, मगर ये है कि भाई सामाजिक संगठनों में काम करते हैं तो महिला हिंसा को लेके सारी चीजों को लेके हम बातचीत जरूर करते हैं, मगर मेरी बेटी का इस तरह से कोई वो नहीं है। फिर वो चली जाते हैं, कहने लगे पूछे पापा नाम है, और इससे पहले किसी चीज में किसी उसमें नाम नहीं था हमारा। फिर पापा कहते, फिर 6:30 बजे मैं ऑफिस से जब आती हूँ, मैं फील्ड से घर आती हूँ, तो मेरे पिताजी को जैसे ही नमाज पढ़ के आ रहे होते, बाहर 4-6 लोग आते हैं, अचानक से गाड़ी रुकती है और उसमें कई पुलिस बिना वर्दी के पुलिस वाले होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से आए हैं सर, कम से कम हमें बताइए तो कि आप किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस लिए आए हैं। तो हमने कहा कि भाई बता दीजिए, हम लोगों को नहीं पता, आप बताते तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, मगर जिस तरह से जिस नीयत से था अब हम लोगों को नहीं मालूम। आप मतलब वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं बताया, हमारा बार बार यही सवाल था सर आप प्लीज बताएं, एज ए एक्टिविस्ट हैं हम लोग, और हम लोग समाज में कोई उस तरह का काम नहीं कर। मैं महिलाओं के लेके मुद्दों को लड़ाई करती हूँ, मैं दलितों के मुद्दों पे लड़ाई करते हैं, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है हम आपसे पूछ सकते हैं, सर आप अपना ID कार्ड दिखा दीजिए। तो उसके बाद फिर वो हो गया, फिर उन लोगों ने थरसनगंज थाने में फोन किया और लोगों को बुलाया, यहाँ से पुलिस गई और पुलिस वाले मतलब एकदम से वो मारपीट करने लगे और गाली गलौज कर डंडों से मारने लगे। जो मेरी छोटी बहन थी वो इंटर फर्स्ट ईयर में नाबालिग है, और उसके साथ ही साथ जो नाबालिग है उसके साथ छोटा भाई था नाबालिग, उसको मारा। मेरा भाई जो बड़ा है वो बालिग है, उसको भी मारा। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हीं ने मुझे दौड़ाने लगे और गालियां बकने लगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम जुड़ गए लखनऊ से। कलीम, यहाँ पर जो लोग हैं जिनके घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए थे, उन्हीं में से एक थे ये महिला जिनकी आवाज सुनने को मिल रही थी, उनका बयान सामने आया कि किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंचती है, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन तमाम सबूतों के साथ ही ये काम किया गया होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, याद होगा आपको, हाईकोर्ट ने इसे निजता का हनन करार दे दिया था, सरकार कानून लेकर आ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब पोस्टर्स यहां पर लगाए जा रहे हैं तो तमाम वो लोग जिनके घरों के बाहर लगे हैं, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, इस मामले पर जो आपको बताना चाहेंगे कि एनआरसी और सीए को लेकर के जिस तरीके से कल पोस्टर लगे थे, पोस्टर के बाद से जिस तरीके से कल हसनगंज थाना क्षेत्र में जो सिविल ड्रेस में टीम आई हुई थी, फिलहाल एटीएस की वो टीम बताई जा रही है, और जो जैनब सिद्दीकी एक महिला सोशल एक्टिविस्ट है, उनके घर उनका फोटो लेकर पहुंचती है, लेकिन फोटो के साथ जब पहुंचती है, लेकिन एक चीज इसमें यह देखने वाली है कि जो महिला के घर पहुंचती है, महिलाओं से मारपीट का जो आरोप लगा हुआ है ना, वो महिला पुलिस उनके साथ थी, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता को हिरासत में लिया गया है, और उस चीज को लेकर के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी है जो जैनब सिद्दीकी, हम उनसे भी आपकी बात भी कराना चाहेंगे कि आखिर कल रात को क्या पूरी घटना घटी थी और क्या पूरा सीन रहा था। तो जैनब जी, ये बताइए कल जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस टीम आई थी, क्या कुछ घटना रही थी आपको एनआरसी को लेकर के, आपकी फोटो लेके आई थी, आपके पिता को लेकर गई थी, तो क्या पूरी घटना बीती थी कल रात की? मैं काम से फील्ड पे थी और 5:30 बजे एक दो पुलिसकर्मी आते हैं और वो बताते हैं कि मेरा फोटो लेके दिखाते हैं कि ये लड़की एनआरसी और सीए में थी, और मेरे फादर से पूछे तो कहा नहीं भाई, महिला संगठन में भाई काम करती है और इस तरह से जाते आते रहते हैं, मगर इस तरह से कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों के नाम ना फादर के नाम किसी प्रकार के FIR है ना मेरे ही नाम FIR है। तो उसने कहा कि आप जो है इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए। उन्होंने बात करी सारी जगह, नहीं हम लोग का तो सरकार के ऊपर से दबाव है और हम लोग जानकारी कर रहे हैं और हम लोग ढूंढ रहे हैं लोगों को, अभी तो बातचीत कर रहे हैं बस खाली, और कोई आपकी लड़की के नाम पे FIR तो निकाल नहीं है, ऐसा कोई FIR नहीं, और ये पूछ के चले आते हैं और नंबर देकर जाते हैं
डेफिनेटली आप जो है थाना अध्यक्ष से बात कर लीजिएगा। उसके बाद 6:30 बजे बिल्कुल कलीम, इसी तरह शायद और भी लोग हैं जो शायद इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास किस तरह के विकल्प बचते हैं सवाल इस बात को लेकर भी है। और जो कुछ 19 दिसंबर को हुआ उसके खिलाफ ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है, सरकार का ये कहना है उसी के खिलाफ है, उसी के चलते इस तरह से पोस्टर्स बाकायदा लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। आगे भी आपको दिखाएंगे तमाम।